प्रदूषण लै के आम आदमी पार्टी के बुलारे नील गर्ग ने बयान दिता है। उन्होंने कहा है कि देश के सब तो वध प्रदूषित हरियाणा के 20 जिले ने जिथे काफ़ी प्रदूषण वध रहा है ते सीएम मनोहर लाल खट्टर प्रदूषण घट करन दी बजाए सियासत कर रहे हैं। सो उन्होंने जिथे इल्जाम लाए ने तो उथे उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार प्रदूषण घट करन दी जिहड़ा वह प्रक्रिया रुझी हुई है काम कर रही है ते पंजाब दे विच पराली ना सड़न दे लई मशीनां दा इंतजाम भी किया गया। सो नील गर्ग की स्टेटमेंट उन्होंने बयान दिता है कि देश दे विच सब तो प्रदूषित हरियाणा के 20 जिले ने जिथे बहुत वड्डी मात्रा दे विच प्रदूषण फैल रहा है। ते नाल ही उन्होंने सीएम मनोहर लाल खट्टर नूं भी आड़े हथ लिया। उन्होंने कहा कि प्रदूषण घट करन दी बजाए वह सियासत कर रहे हैं। सो पंजाब सरकार लगातार प्रदूषण घट करन दे लई जिथे काम कर रही है ते विशेष तौर पर मशीनां भी मुहैया करवाईआं जा रही ने। सो पंजाब दे विच पराली ना सड़न दे लई मशीनां दा इंतजाम कर रही है पंजाब सरकार। नील गर्ग होरां दी स्टेटमेंट है। सो हरियाणा सरकार को जिथे उन्होंने जिम्मेवार ठहराया तो उथे उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार लगातार प्रदूषण घट करन दे लई काम कर रही है। कल ही जिस तरीके का डाटा आया कि मुल्क दे विच 52 जिले सब तो वध पोल्यूटड ने उन्हां विचों 20 जिले जिहड़े आ उह हरियाणे दे है। खट्टर साहब फिर भी सियासत करन तो बाज नहीं आउंदे, फिर भी इल्जाम पंजाब ते लगाउंदे है। पंजाब दे विच ते मान साहब की सरकार ने ना केवल किसानां नूं मोटीवेट कीता, उन्हां दी बांह फड़ी, जरूरी समान मुहैया कराया तां कि पराली ना जले। और खट्टर साहब ने की कीता? सिर्फ सियासत, और सियासत तो अलावा कुछ भी नहीं। तुसीं किसानां दी बांह फड़ो, उन्हां नूं जरूरी संद मुहैया कराओ। जेकर तुसीं इह नहीं कर सकते सियासत ना करो, कृपा करके। लोकां दी जिंदगी बड़ी कीमती है, सियासत तो लंबे हो जाओ, अस्तीफा दे दिओ, सानू सवाओ हरियाणा जिदा असीं पंजाब दे विच प्रबंध कीता है हरियाणे च भी कर देंगे। इस दे नाल ही इस खबर ते होर वधेरी जानकारी लै लैंदे आ। मेरे नाल मेरे सहयोगी मनोज जोशी फोन लाइन ते जुड़े ने। मनोज, जिथे एक पासे एयर क्वालिटी इंडैक्स दिन प्रतिदिन इसकी हालत जी बेहद माड़ी होंगी नज़र आ रही है, तो उत्थे हुण सियासती भखनी शुरू हो चुकी है। जो आम आदमी पार्टी के बुलारे नील गर्ग ने कई तरह के वड्डे सवाल खड़े किए ने हरियाणा की सरकार से, तो उत्थे की लगता है कि पंजाब दे विच जो मशीनरी मुहैया कराने के दावे किए जा रहे हैं, की कुछ अहम जानकारी तुहाडे कोल? बिल्कुल किशन, बिल्कुल जी, असीं गल देखिए कि जो गल कही जा रही है कि जिहड़े हिंदुस्तान के 52 जिले जिहड़े ने इत्थों प्रदूषित होए ने हवा तो, या कही कि जो अके डाउन गया है ज्यादा वध्या, उन्होंने हरियाणा के जिले ने भी, वाकई ही गल सही हैगी है, ये डाटा हैगा पूरा, वो सारी गल सामने आई है। पर सब तो बड़ी गल है कि पंजाब में देखो एक गल मनने वाली है कि पंजाब के बहुत सारा काम होया, बहुत सारे संत मने करवाए ने, ये भी सेंटर गवर्नमेंट भी जी है वो अपने योगदान पा रही है, वो सहयोग में जो पंजाब सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। तरफ ये सब तो बड़ी गल यही है कि बड़े जोड़े किसान से बड़े किसान जोड़े ने उन्होंने मशीनरी का उपयोग किया, छोटे किसान रह गए हैं। पर आप जो आंकड़े की भी गल करते हैं जरा एयर क्वालिटी इंडैक्स है वो भी गल करते हैं, तो वो जो अभी भी जो हरियाणा के जो जिले ने उन्होंने कई जगह 400 उपर जो है एक जोड़ा है वो दर्ज किया गया है। पर सियासत तो होनी है क्योंकि इलेक्शन का दौर है, 2024 इलेक्शन भी है, तो उस बाद हरियाणा इलेक्शन भी होनी ने, इस करके जी सियासत है वो भी बिल्कुल सही है, होनी ही होनी ये उपर। जो खट्टर उन्होंने घेरिया जा रहा है तो पंजाब सरकार वालों इस करके घेरा जा रहा है कि उसके बाकी ही 20 जिले जिहड़े ने रिकॉर्ड में आए हैं, इस करके जी है उन्होंने जी घेराबंदी की जा रही है कि 20 थोड़े जिले किस तरह प्रदूषित हुए हैं, तुम दसो ये बारे, तुम गल पंजाब की करते हो, पंजाब के जिले साडे की कोई तकलीफ है नहीं, पंजाब का जिहड़ा एयर क्वालिटी इंडैक्स है वो काफ़ी डाउन है, इस करके सियासत जी भारू है क्योंकि इलेक्शन का दौर है जी। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी की सांझ पाने के लिए। इस दस दिए कि इल्जाम तराशी का दौर है जो दिन प्रतिदिन वाधा हुआ नज़र आ रहा है, तो उत्थे प्रदूषण भी जो वाधा हुआ नज़र आ रहा है।